सुबह सुबह ना ये देखो गला कैसे बैठा हुआ है। हाँ, ये अपना रूम पूरा लाइट ऑफ करके चारों तरफ से पर्दे लगा के अपन कर रहे थे नींद। नींद ले रहे थे, कर रहे थे क्या भाई, नींद ले रहे थे। और पता है मैं कैसे उठाऊँ बताता हूँ, मेरे चाबी उठाएं और आपको एक बार बाहर के नज़ारे दिखाएं। पर्दा हटा, ओ माय गॉड, जस्ट लुक कर रहे थे यार, सामने समुद्र। और यहाँ पे ना मैं इतनी तेज नींद में सो रहा था और फोन साइलेंट करके ना, कि लोग एक्चुअली वो स्पीकर जो बड़ा वाला है ना उसको लेके रूम के बाहर आए और वहां से बजाना स्टार्ट किया, तब जाके जैसे कुंभकर्ण को उठाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे उठाया मुझे। सो हे, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम कोसामुई। एंड जी, दिस इज काइंड ऑफ ए प्राइवेट बीच फॉर अस। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर जिसको कहते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा। रील बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हाँ, लेकिन रील बनाने के लिए कोई बंदा भी तो चाहिए, और सारे बंदे अभी ऊपर है, तो ऊपर चलते हैं भाई। रूम लॉक करे, ऊपर चले। इनफैक्ट सुबह का ब्रेकफास्ट भी मिस कर दिया क्योंकि नींद ही नहीं खुली यार, इतना मस्त काम कर रहे थे। एंड द गाइस आर हियर, बस आ रहा हूँ, अब आ गया मैं। आप रात को भी नहीं आए? हाँ, मैंने स्टोरीज देखी थी यार, मैं रात में एडिट कर रहा था यार। ये सही है। व्हाट आर यू राइडिंग? लेकिन रियल में तो मिल नहीं रही, यही सीसी काम करा ले ना। बियर एंड एडिटिंग झूठ। एक एंगल पे कर दे तो लग रहा है कि पूल एक्चुअली समुद्र से मिल रहा है, मतलब ऊपर ना सामने जो ओशन है ना उससे मिल रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पे ये इन्फिनिटी पूल टाइप का है। बहुत जबरदस्त यार, उधर तो लोग मस्त सुबह सुबह चिल कर रहे हैं, इधर प्रिंस सबकी फोटो खींच रहा है। मेरी भी खींच दी। सही है, सही है भाई। अभी तो हाँ, बड़े वाले उसपे वहाँ पे, लेकिन रेलिंग नहीं है और डीप इससे ज्यादा है। एक भाई कह रहा है ना, मेरे को स्विमिंग तक तक आती है जब तक मेरे पैर जमीन तक टिक रहे हैं, उसके बाद नहीं आती स्विमिंग। आ रहा हूँ, वो बुला रहे हैं वहाँ पे। आ गया, आ गया। तो विकास भैया यहाँ पे हैं पूल में और बाकी सारे लोग वो रहे समुन्द्र में देख रहे हो, मतलब यहाँ पे चल रहा है इनका फोटोशूट। चलते अब नीचे, ऊपर तो मस्त जितने फोटो वोटो लेने देना ले लिया। और पानी ना इतना थका देता है ना यार। हाँ, थोड़ी देर तक आप पूल में रहो ना, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। बाकी ये सामने अपना मेरा विला, मेरा बड़ा देखना एक ओपन है। वाइब मैन, वाइब। विकास भाई ऐसे करो, यहाँ सीरियसली इतनी शांति है ना, मतलब हमारे अलावा छोड़ के कौन। अरे बस बीचेस के ये वेव्स है जो कि बीच बीच में बहुत तेज आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त है। मतलब यहाँ पे बैठे रहो सारे लोग ना, तो चिल मार रहे हैं। प्राइवेट यॉट यहीं पे मंगा लेते हैं हम। यही आएगा। क्या बात कर रहे हो, यहीं पे जाएंगे हम। मेरे को यही लग रहा है कि वो आइलैंड वही है कोफांगल, यहाँ से दूर है ना। दूर है तो बेसिकली कल मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्यों आए, तो हम यहाँ पे फुल मून पार्टी के लिए आए। स्पेसिफिकली अगर फुल मून पार्टी की बात करें तो अमेरिका से बार्सिलोना जो मेन जगह है पार्टी के लिए, लोग वहां से यहां आते हैं फुल मून पार्टी के लिए। और टेक्नो म्यूजिक के लिए लोग दीवाने हैं यहां पे, दीवाने। ओ भाई ये देखो, ये रील बन रहा है। हम प्लान ये कर रहे हैं कि वी आर हायरिंग कपल ऑफ स्कूटर्स अलॉन्ग विद फॉर्च्यूनर। जी, हम हो गए नहा के रेडी, साथ में उठा लिया अपना छोटा सा झोला, क्योंकि इसमें सारे अपने ना फोन, और फोन ना पता नहीं क्यों इतना जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है ना मेरे यहाँ पे, इतना जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। तो अभी मैं चप्पल शायद ऊपर छोड़ के आया था, मेरे को नीचे अपने क्रॉक्स मिले ही नहीं। तो यहाँ पे अपने को ना एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था अपने घर के पास में ही, मतलब घर ही है, चार पाँच दिन तक तो अपना, तो वहीं से खाना मंगाया। अभी सब वेट कर रहे हैं खाना आ जाए बस जल्दी से। मसाला भी आ गया। ओए क्या बात है, इंडियन खाना, बटर चिकन बटर नान, बटर चिकन बटर मसाला भी आ गया। तो जी अपन फिलहाल अभी निकल रहे हैं शाम में 5 बजे गाड़ियां लेने, मतलब गाड़ियां तो गाड़ियां है ना भाई, थाईलैंड में गाड़ियां चलाने का, चाहे स्कूटर हो चाहे बाइक, तो ऐसे कुछ स्कूटर लेंगे और शायद एक कार भी लें। अभी देखते हैं एग्जैक्टली क्या करते क्या नहीं। तो यहाँ पे अपनी टैक्सी आ रही है, टैक्सी से सीधे चलेंगे जहाँ से हमने बाइक बुक की है। कह रहे फेक टैक्सी है क्या, मैं बैठूँ आगे? चलता फिरता 60 लाख है। अरे जा कर रहे हैं हम, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं तो चले जाएंगे। स्कूटी लेके आ रहे हैं और ये गाड़ी चली, पता कितना, 2 लाख
76,000 किलोमीटर चल गई है, 3 लाख लग नहीं रहा है भाई, इतनी साफ सुथरी गाड़ी, एक स्क्रैच नहीं, एक ये नहीं भाई, फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है। अदरवाइज अपने उधर रहता तो भाई देखा पीछे वाला देखा जाएगा और पीछे वाला आगे चुम्मी लगेगा, ब्रेक मारेगा, अपने आप ही ब्रेक मारेगा। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? थोंगसाई रोड जा रहे हैं भाई। चुएंग रोड। हाँ? चुएंग मुएंग रोड। ये मेन मार्केट है जो चुएंग मुएंग रोड जो मैं बोल रहा था ना। चुएंग मुएंग। चुएंग मुएंग। ये 7-Eleven है ना इधर? ये आ गया 7-Eleven। हम थोड़ा सा एयरपोर्ट के साइड है ना अभी? अभी नहीं नहीं, ये टोटली सेंटर है, सेंटर ऑफ कोसुमाई। ये देखो वो देखो अंदर से नाच रहा है, ये जिंदगी है दुनिया में। टर्न राइट ना, यहां यहां ये गो लेफ्ट, टर्न राइट और टर्न लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट गो स्ट्रेट, नो गो स्ट्रेट, थोंगसाई रोड हियर, यू नो ये प्रॉब्लम है, पहले भी क्या सी, वेट वेट वेट, ये नहीं, यू नो थोंगसाई स्कूटी कम से, ये थोंगसाई रोड, आई टेल यू we want to go here, the name is, the name is, main tenu ta hi keh raha si udhar left mod lenne hai, you know Thongsai road here, this is the Thongsai road, yeah, but we need to go, I told you, let me show you once again, google search bata raha hai so kahan ki hai, main wahi dassa si Thongsai road, scooter rental isko bol dete hain, scooter ki rent pe chahiye hamare ko, it's 2 km from here, we need to go straight, straight भाई, ये कौन सा है ये? ये कहाँ जा रहे हैं? इसके पीछे ले लो भाई, इसके पीछे ले लो, बाद में जाएंगे हम कहीं और जाना भाई, इसके पीछे लो, पकड़ो इनको, कहाँ जा रहे हैं? दी टपड़ी हुए निशान के जोंगे हैं, हाँ निशान जोंगा, पीछे भी जोंगे हैं 3-4 भाई, ये कोई ग्रुप है भाई, ग्रुप जो ये ना सफारी वगैरह करके, इसके पीछे चलो, इनका नाम है जोंगा ग्रुप। टेल मी वन प्राइस, 7, आई नीड 7, टेल मी जस्ट वन प्राइस, आई विल पे फॉर एवरीवन, जस्ट वन प्राइस। बंदे से पूछा वो तो 400 भात एक बाइक के लिए कह रहा है, तो अभी हम बाइक रेंट करने के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 ही है एक्चुअली, 7 बाइक चाहिए ना, तो 7 हमें मिल नहीं रही है एक जगह पे कहीं पे, बाकी अभी खोजते हैं, बाकी मार्केट में यही मार्केट है, वहीं घूम रहे हैं, शाम का पता नहीं क्या प्लान है, शाम को कहीं हम किसी ना कैफे में जाएंगे। अगर आप इंडिया में कहीं रेंट पे लेने जाओ ना बाइक, तो आपको वहाँ पे चाबियाँ वो बंदा अंदर से निकालता, छल्ला लेके आता, वो कहता भैया ये लो, यहाँ पे चाबियाँ, यहाँ पे जितनी बाइक है सबके चाबियाँ यहीं पे पड़ी, लगी हुई है, सबकी लगी पड़ी है, और हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई नहीं, मालिक अभी नहीं आया, अभी हमने उसको ढूंढना पहले, बाइक तो हमारे सामने, बाइक तो हमारे सामने खड़े हैं, मालिक कहाँ है भाई? ये भी होगा, इसमें फ्यूल भी होगा ही होगा भाई, हमारे साथ तो कांड हो गया, भैया ने दिया नहीं बाइक, दिया नहीं, जिंदगी में इतनी ईगो मैंने नहीं देखी आज तक भाई, सीरियसली हमने कहा कि 2 दिन के लिए 5,000 भात ले रहे हैं, वो तब भी भैया ने मना कर दिया, कह रहे मुंह पे मैं नहीं दूंगा, हाँ कह रहे आई डोंट नीड योर मनी, गो कह रहे तुम दूसरे दुकान में गए कैसे, यही तो दिक्कत होगी यार, वो इंडियन की फितरत ऐसी है, अभी हम एक दो दुकाने बिना नहीं, एग्जैक्टली मॉन्स्टर है, क्या जबरदस्त लग रहा है ना, और ये पहले वाला Isuzu D-Max है, लिफ्ट किट लगी हुई है ना, खोज रहे हैं कि कहीं कुछ मिल जाए, एक्चुअली अभी ना फुल मून पार्टी के लिए, जो फुल मून पार्टी होने वाला है उसके लिए इतनी ज़्यादा क्राउड है ना, मतलब यहाँ पे पूरा खचा खचा, हमने इतने फ़ोन किए हैं, इतने फ़ोन किए हैं, बट बाइक्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है, भैया ने कहा मैं जयकांत शिकरे हूँ, कुछ भी करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का, हाँ जयकांत शिकरे भैया ने मना कर दिया हमें, जैसे वो कहता नहीं कि DSP साहब कहाँ है, वो तो सो रहे हैं, मस्त सो रहे हैं घर में, वो आंखों में आंखें नहीं डाल रहा भाई, हाँ सीरियसली, दो बोथ, वी वांट मोटर बाइक एंड कार बोथ, इफ वी गेट 6 bike देन 6 bike एंड इफ वी डोंट गेट 6 bike वी गेट 3 cars, यू मस्ट हैव फॉर पासपोर्ट, या वी हैव इट, वी हैव इट, we are very ready, this is like 8th time here, please bhai aa gaye hum bike pe, yahan pe na goa wali feel aa rahi hai seriously yaar, but ye na bahar ka country hai to thoda aaram aaram se dheere dheere hi chalenge, baki bike chalane ki bahut zyada aadat to hai nahi, to jo hoga jaisa hoga acha hi hoga, mata rani khayal rakhengi, humne apni gaadi mein diesel sorry petrol dalwane hai, diesel dalwane ki aadat ho gayi hai na भैया, लबालब नहीं करना है, पहली बार बोल रहा हूँ मैं, भैया लबालब नहीं करना है, भैया है दीदी है, दीदी है
अच्छा दीदी भैया दोनों है ना। तो भाई यहाँ पे ना मतलब कि 150 बाट से 100 बाट के अंदर ना पूरी टैंकी फुल हो रही है। पूरी ना? हाँ पूरी टैंकी हो गई। यस 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 पूरी। कह रहे थे लबालब नहीं करेंगे। हाँ सही है ना, क्योंकि 2 सेल्डा उन्होंने ऑलरेडी हमें दिए ही थे, 1.5 लीटर डाल के दिया था। 150 बाट में ये पूरा फुल हो गया, मतलब लबालब। हेलमेट कहाँ लेके रूम में डोलते रहेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे हम ना कोई जंग फतेह करके वापस आए ना। अब डिसाइड ही हो रहा है कि बाइक है 6, आदमी है 17, सॉरी दो और तो जाएंगे कैसे? तभी कुछ ना कुछ तो करेंगे। टपली हो जाएगी तीनों पे, सब टपली। तब भी पिछवाड़े पे टपली पड़ेगी फिर। एक रुपए गुद्दी बिठाना लगे, खड़ा कर लेने छोटे बच्चे तरह। तो यहाँ से हम जा रहे हैं कहीं पे किसी लोकेशन पे, तो सारे लोग तो स्कूटी पे नहीं जा सकते थे, तो हम 12 लोग स्कूटी पे जा रहे हैं और बाकी लोग गाड़ी से आ रहे हैं, क्योंकि 19 लोग हैं टोटल और स्कूटी हमारे पास कम है। तो अब यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, अभी तो विंड नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, थोड़ा तेज़ चलाते हैं, कैमरा भी रख देते हैं। भाई हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है ना कि हम गोवा में गाड़ी चला रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा फील हो रहा है, गोवा जैसा नहीं लग रहा। हाँ बस रोड थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं और ये मेन साफ सुथरे भी हैं। हाँ ये भी बात है। और दूसरा ना कि यहाँ पे भाई ट्रैफिक का कुछ पता नहीं है। हाँ आगे से राइट लेनी है, ले सकते हैं? पता नहीं, अभी अभी नहीं ले सकते तो पुलिस बता ही देगा कि गलत ले लिया। 011772 क्योंकि सारी ऐसी दिख रही है ना, और यहाँ बहुत सारी हैं। किस रंग की है? SP लिखा हुआ है भाई। और यहीं पर कहीं अंदर जाना है, बाकी ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर हमने पार्क कर दिया। भाई मज़ा आया ना राइड करके? हाँ प्रो राइडर हूँ ना मैं। ये वाला एरिया ना बड़ा लाइवली टाइप का है ना, मैं मस्त मजा आ रहा है। और मोस्टली यहाँ पे देखो सारे के सारे आपको ना फिरंग दिखेंगे, सारे के सारे फिरंगी है। अरे यहाँ पे ना तो एक्चुअली थाई क्राउड भी बहुत कम है। कौन सा जगह? कोको टैम। विच प्लेस इज इट? वॉट इज द नेम ऑफ द प्लेस? The walking street. And then you want to go where? Coco Tam. Coco Tam, you go. That's on. Right. Yes. Stay right. On. Thank you. You're welcome. भाई हमें यहाँ पे जाना है सीधा, जो हम कोको थैम करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे जा रहे हैं। एंड दिस इज द वॉकिंग स्ट्रीट। बट यहाँ की वाइब बड़ी मज़ेदार है भाई, और एकदम मस्त आराम से ना स्ट्रीट पे ही बैठ के जो भी अपना ड्रिंक्स इंजॉय करना है, खाना इंजॉय करना है, प्लस लोकल शॉपिंग करनी है, तो वो सुबिनर टाइप का कुछ आप ले सकते हो। पर रेबैन लेने के लिए ना यहीं आऊँगा मैं। हाँ रेबैन ही है। और भाई रियल LV के बैग भी मिल रहे हैं, और गुची अरमानी भी है यहाँ पे, हमने देखा था पीछे, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। आपको मॉल जाने, दुबई मॉल जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सर। और रोलेक्स की घड़ी भी मिल रहे हैं, रोलेक्स भी मिल रहा है भाई। बर्बरी भी है, समझो कि बर्बरी नहीं मिले, नहीं अरमानी भी है, बर्बरी भी है भाई। हम ऐसा लग रहे हैं माइनॉरिटी में आ गए। हाँ सारे, हाँ यहाँ पे हम ही हैं, इंडियन हम ही हैं, और हमारे पीछे 17 लोग और, हाँ बाकी कोई नहीं है भाई। सारे के सारे फिरंग हैं। अब समझ में आया फिरंग के पास इतना बर्बरी और ये सब कैसे आता है। प्राइमरली इंडियन बहुत कम है, क्योंकि इंडियंस ना पटाया फुकेट बैंकॉक से ऊपर आए ही नहीं। हाँ ये इतना सुंदर है ना, मतलब आज तो पहला दिन है जो हम बाहर निकले और घूम रहे हैं, बट इसकी वाइब ना थाईलैंड के बाकी सिटीज़ के वाइब से ना बहुत अलग है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो हमें जी सीट तो मिल गई है, अब हम देख रहे हैं मेन्यू में, ये ड्रिंक मेन्यू है, वो मेरे काम का नहीं, वो भाई के लिए देख रहा था मैं। हमारा ना भाई गलती से गलत मेन्यू खुल गया था ना। हम दोनों निकल गए आगे मार्केट तक जाने के लिए। एक यहाँ पे मार्केट है, वहाँ तक जा रहे हैं। पता नहीं आवाज़ कितनी आ रही है, क्लिप डलेगा नहीं डलेगा, बट बहुत मज़ा आ रहा है गुरु। एक मिनट रुक जाओ, 30 फ्रेम्स करने दो। एक कोई क्लब है द ब्लैक करके, तो अभी सब लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ पे चलेंगे, तो अपन ने भी कहा हाँ हम भी होटल जाके क्या करेंगे,
देखो व्लॉग कब आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मजा बहुत आ रहा है अभी, और अभी आ रहा है बहुत मजा आ रहा है, फुल मजा आ रहा है भाई। और रात का टाइम है ना, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, एक दो कुत्ते हैं, कुत्ते देख लो, नहीं हमको नहीं, कुत्ते को दिखा रहा था तो हाँ, एक बगल से भी गया स्पीड से गया। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि यहाँ से सारी चीजें खत्म हो गई है, सारा मार्केट बंद हो गया है, तो हम बैठ गए टुक टुक में, बिल्कुल और अब टुक से जा रहे हैं, पता नहीं किसी और जगह पे जा रहे हैं। अभी सब लोगों ने डिसाइड किया कि भैया वहाँ चलते हैं, वहाँ देखेंगे क्या हिसाब किताब है। हमारा बहुत तेज कट गया, हम यहाँ पे आ रहे थे पानी वाटी में, और यहाँ पे ना कुछ नहीं है भाई, एकदम खाली पड़ा हुआ है, सुनसान, सुनने बेटा सन्नाटा पड़ा हुआ है भाई। रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3:30, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली 3:30 बज रहे हैं, और अभी भी यहाँ पे ना सारे चीज़ें तो बंद हो गई है, बट लोग बहुत सारे और अभी अपने स्कूटी के पास जा रहे हैं, और वहाँ से जाके स्कूटी उठा के सीधे विला में जाएंगे। ट्रिपलिंग What an amazing day. चलो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, टिल देन पीस। फुल मून पार्टी भी